नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में बिल्ली की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जैसे सपने में बिल्ली देखना, का खुद पर हमला होते देखना, रोती बिल्ली देखना, बिल्ली का काटना, बिल्ली को शिकार करते देखना, बिल्ली बिल्ली की लड़ाई होते देखना या कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होते देखना। इसका मतलब जानने से पहले आप सभी मित्रों से वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपकी लाइक सब्सक्राइब ही हमारा आपके लिए दिया हुआ प्यार है। चलो बताते हैं। वैसे बिल्ली का सपने में दिखना बेहद बुरा सपना माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में या देखता है कि वह सपने में उसे बिल्ली दिखाई दी है, वो खासकर जंगली बिल्ली है, तो इसका मतलब है कि उसे उसके किसी मित्र या किसी दुश्मन से धोखा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखता है कि उसको उसके ऊपर कोई बिल्ली हमला कर दी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रही है, इसका मतलब है कि उसे कोई शत्रु उसे पीड़ा देगा, परेशानी देगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखता है कि उसको रोती हुई बिल्ली दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि उसे शत्रु से किसी न किसी प्रकार से कष्ट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि उसे बिल्ली काट रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसे शत्रु से किसी न किसी प्रकार से चोट लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि बिल्ली शिकार कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह शत्रु से किसी न किसी प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा, यह एक सपना शुभ सपना है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि कोई बिल्ली शिकार कर रही है, जैसे चूहा का शिकार कर रही है या किसी पंछी का शिकार कर रही है, तो यह एक शुभ सपना है। इसका मतलब है उसे शत्रु से किसी न किसी प्रकार से अनायास लाभ की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि बिल्ली बिल्ली की लड़ाई हो रही है, तो यह एक बेहद बुरा सपना है। इसका मतलब है कि उसे किसी शत्रु से कष्ट पहुँचेगा, उसे कहीं चोट भी लग सकती है या उसे किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सपने में यह देख रहा है कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, तो यह भी सपना बुरा ही सपना है। ऐसे और भी सपनों के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च कर जान सकते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।